हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर एक्सप्लेन लेसन नंबर 9। इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर कंप्लीटेड लेसन नंबर 8 इन एसएस सब्जेक्ट, सोशल स्टडी सब्जेक्ट। वी आर कंप्लीटेड लेसन नंबर 8 एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 9। So let we start now. Lesson number 9, communication. Maintaining communication is essential for man. In the olden days, pigeons, messengers on foot, horses and or camels carried messages, but it took a long time. The invention of the telegraph and the development of the postal system helped to send and receive messages quickly and easily. This is our lesson number 9, communication. First of all, I want to tell you about the communication. What is meant by communication? Communication means संवाद, बातचीत करना. Okay? एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, इसे हम बोल सकते हैं. ओके, सो मेंटेनिंग कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर मैन. हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बात करें. यही हमारे लिए, यानी कि ज़रूरी बात यह है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, कि बातचीत करें, संवाद करें. इन द ओल्डन डेज पिजन्स मैसेंजर्स ऑन फूट हॉर्सेस और कैमल्स कैरीड मैसेजेस. देखो, पुराने ज़माने में, इन ओल्डन एज यानी कि पुराने ज़माने में, पिजन मैसेंजर्स ऑन फूट हॉर्सेस और कैमल्स कैरीड मैसेजेस. पुराने ज़माने में क्या होता था, पिजन के पैरों में, अदरवाइज हॉर्सेस और कैमल्स जैसे एनिमल्स के थ्रू मैसेजेस को कैरीड किया जाता था. बट इट टूक ए लॉन्ग टाइम, पर वो क्या करता था, बहुत सारा टाइम लेता था. द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ एंड द टेली डेवलपमेंट ऑफ द पोस्टल सिस्टम हेल्प टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस क्विकली एंड ईजीली. पर बाद में क्या हुआ कि इन्वेंशन हुआ किसका, टेलीग्राफ यानी कि टेलीफोन और पोस्टल सिस्टम का यानी कि पोस्ट ऑफिस का, और वो उन्होंने मैसेजेस को क्विकली और इजीली सेंड करने में हमारी बहुत हेल्प की है. ओके, द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन इन कम्युनिकेशन केम अबाउट विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876. इन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम के एक पर्सन ने किसका इन्वेंशन किया है, टेलीफोन का. ओके, और ये हमारा सबसे बिगेस्ट रिवॉल्यूशन हुआ है कम्युनिकेशन में, यानी कि रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति करना. ओके, बदल लाना. ओके, सो विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंट प्लेसेस टेक्स प्लेस विद इन अ फ्यू सेकंड. और इस टेलीफोन के इन्वेंशन से क्या हुआ, हमारा जो डिस्टेंट था, बहुत दूर जो डिस्टेंस यानी कि जो अंतर था, किसमें कम्युनिकेशन करने में जो टाइम लगता था, या वो जो टाइम था उसमें जो तकलीफें आती थी, वो पूरी तरह से टेलीफोन की वजह से, ये सब टेलीफोन के हेल्प की वजह से वो सब चीज़ें साइड में हो गई. और विद इन फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड में ही हम, देखो टेलीफोन पे हम बात करते हैं. ओके, तो वो कितने सेकंड में बात करते हैं जिससे हम बात करना चाहते हैं वो पर्सन से, हम कुछ विद इन ए फ्यू सेकंड में हम बात करना चाहते हैं. यानी हमारा देखो टाइम यहाँ पर कितना और डिस्टेंस भी कितना कम हो चुका है, वो किसकी वजह से, टेलीफोन की वजह से. द मॉडर्न इरा इज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, और ये जो हमारा आधुनिक युग है वो कैसा है, हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन. द रेडियो एंड टेलीविजन बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. रेडियो और टेलीविजन
इसी कम्युनिकेशन के क्या हैं, टाइप्स है। दे नॉट ओनली हेल्प अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस बट ऑल्सो एंटरटेन एंड एजुकेट ए अस। देखो रेडियो और टेलीविजन सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट ही नहीं करते हैं बट वो हमें मैसेजेस सेंड करने के लिए और एजुकेशन लेने के लिए भी बहुत यूजफुल है। अभी यही एग्जांपल ले लो कि हम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ओके। सो ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये किसकी वजह से, हमारी फ़ोन की वजह से, राइट। सो ये एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही यूजफुल हुआ है। जो टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ है वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हुआ है। द रैपिड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ टोटली रेवोल्यूशनाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रेवोल्यूशनाइज मीन्स क्या हुआ है, क्रांति लेकर आना, सुधार के साथ क्रांति लाना। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ये हमारा कम्युनिकेशन में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। आफ्टर द इंटरनेट ईमेल एंड वीडियो फोन्स स्मार्टफोन्स आर सम ऑफ द लेटेस्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर द सेलफोन। सेलफोन के बाद अभी लेटेस्ट इन्वेंशन क्या हुआ है, तो वो हुआ है ईमेल एंड वीडियो फोन्स स्मार्टफोन्स, ओके। ये हमारा लेटेस्ट इनोवेशंस हुआ है कम्युनिकेशन में, ओके। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। द टेलीफोन नेटवर्क हैज़ वाइडन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। टेलीफोन का जो नेटवर्क है वो किसकी हेल्प से, सैटेलाइट के हेल्प से बहुत बड़ा हो चुका है। एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ मैसेजेस आर सेंड बाय टेलेक्स एंड फैक्स मशीन्स। देखो भले ही यानी कि कितनी भी दूर क्यों ना डिस्टेंस हो, कितना ही दूर क्यों ना अंतर हो, फिर भी हम ये फैक्स मशीन से जो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैक्स मशीन से सेंड कर सकते हैं। ईमेल्स एंड वीडियो फोन्स आर द लेटेस्ट इन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल्स और वीडियो फोन्स ये लेटेस्ट इन्वेंशन है किसमें, कम्युनिकेशन में। द पोस्टल सिस्टम टेलीफोन्स टेलेक्स एंड फैक्स मशीन्स आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स कौन से हैं, पोस्टल सिस्टम यानी कि पोस्ट ऑफिस की सिस्टम, टेलीफोन्स टेलेक्स एंड फैक्स मशीन्स एट्सेट्रा, ओके। द नेक्स्ट पैराग्राफ। द डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मेक इट पॉसिबल फॉर मैसेजेस टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन मीन्स ग्रुप कम्युनिकेशन, ओके। ग्रुप कम्युनिकेशन में, अदरवाइज मास कम्युनिकेशन में हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एट ए टाइम एक ही मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और उनको वो मैसेजेस वो लोग पा सकते हैं। दीज मीन्स इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, बुक्स मैगजीन्स रेडियो सिनेमा टेलीविजन और एंड इंटरनेट। देखो ये उनके मास कम्युनिकेशन के मीन्स कौन से हैं, सो न्यूज़पेपर है, बुक्स मैगजीन्स रेडियो सिनेमा टेलीविजन और इंटरनेट। इस पे अगर हम कोई एक मैसेज सेंड करते हैं तो वो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एट ए टाइम रीच हो सकता है, दैट इज कॉल ए मास कम्युनिकेशन। फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय योहान गुटेनबर्ग इन 1443 प्रिंटेड मटेरियल बिकेम अवेलेबल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बुक्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन मेनी लैंग्वेजेस, दे आर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एंड फॉर्म एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स टुडे। बुक्स हैव सर्टेनली एक्सेलरेट
द पेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. हियर इज द नेक्स्ट इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय योहान गुटरबर्ग इन 1443. After telephone's invention by Alexander Graham Bell, this is the second invention of printing press by Johann Gutenberg in 1443. Okay, so from this invention, printed materials became available for a large number of people. देखो ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एट ए टाइम बहुत सारे पेपर्स प्रिंट हो जाते थे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट अवेलेबल द प्रिंटेड मटेरियल्स अल्सो लाइक बुक्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन मेनी लैंग्वेजेस. बुक्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश हुए. सो बिकॉज ऑफ ओनली प्रिंटिंग प्रेस. ओके, दे आर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एंड फॉर्म एंड इन सेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स टूडे. देखो यहाँ पर दे आर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ उसके बाद लोगों को बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल का हेल्प प्रिंटेड मटेरियल की वजह से उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज मिला. बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स में उनको और इवेंट्स में भी उन्हें बहुत सारा हेल्प मिला. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स का उन्हें इंफॉर्मेशन मिला और ये सब पॉसिबल हुआ ओनली एंड ओनली प्रिंटिंग प्रेस की वजह से. सो बुक्स हैव सर्टेनली एक्सेलरेट द पेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. और बुक्स का बहुत ही एक्सेलरेट यानी कि गति का बढ़ना, इतनी फास्टली बुक्स की वजह से हमारे ह्यूमन प्रोग्रेस में काफ़ी बदलाव आया हुआ है. किसकी वजह से? बुक्स की वजह से. और बुक्स की वजह से हमारे प्रोग्रेस की गति काफ़ी बढ़ चुकी है. सो गाइज, टुडे वी कंप्लीट दिस हाफ लेसन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर कंटिन्यू दिस लेसन टू. सो बाय बाय, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.